वेलकम टू माय चैनल ड्रीम होम। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट के बारे में बताऊंगी, जिसको हम सभी लोग पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको कहते हैं मनी प्लांट। अगर आप भी मेरी तरह अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और अपने टेबल को इसी तरह से जानना चाहते हैं, तो आप भी मनी प्लांट लगाइए छोटे छोटे पॉट्स में। पर अगर आपको मनी प्लांट लगाने में प्रॉब्लम आती है और आपका प्लांट सूख जाता है या पीला पड़ जाता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम मनी प्लांट लगाने के लिए कुछ मग्स ले लेते हैं। ये मेरे पास पुराने पड़े हुए किचन में मग्स हैं, ये थोड़ा सा टूट गया है, तो मैंने इसमें ये होल्स कर लिए हैं इन दोनों में। इनमें ही मैं आपको, तो सबसे पहले हमको इसका सॉइल मिक्सर पता होना चाहिए कि मनी प्लांट के लिए कौन सा सॉइल मिक्सर परफेक्ट रहेगा। तो इसके लिए मैंने 40% गार्डन सॉइल ली है। कोई भी गार्डन सॉइल हो सकती है, वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये सैंड है, रिवर सैंड, जो नॉर्मली आपको मिलता है। ये कोकोपीट है, ये भी मैंने 20% लिया है, ये भी 20% लिया है। 10% वर्मी कंपोस्ट लिया है और ये 10% करीब चाय की पत्ता ली है मैंने। अब हम इनको मिक्स करते हैं। मुझे दो छोटे पॉट्स में लगाना है, इसलिए मैंने इस समय सॉइल मिक्सचर कम ही तैयार किया है। सबसे पहले हम इसमें कुछ स्टोन्स डाल लेंगे, जिससे कि इसका ये जो हमने होल किया है वो बंद हो जाए। अब हम कुछ प्लांट्स को तैयार करते हैं। ये मैंने मनी प्लांट लिया है, इसकी कटिंग जो मुझे लगानी है। इसको दो तरह से लगा सकते हैं, एक तो आप एक साथ ही पूरा बंच लगा सकते हैं, एक तरीका इसका और भी है, ये आप एक लंबी ब्रांच लीजिए, उसमें से ये जो हर लीफ के नीचे एक नोड एरिया होता है, इसमें से एक रूट निकलती है, आप इसको नोड एरिया को निकालते जाइए। ये जो बीच का एरिया होता है ये किसी काम का, ये आप देख रहे हैं, ये प्लांट यहीं से ग्रोथ स्टार्ट करेगा। आप रूट्स का ध्यान रखिए कि उसमें रूट होनी ज़रूरी है, और इस एक्स्ट्रा पार्ट को काट दीजिए, वरना ये बाद में सड़ जाता है और प्लांट को ख़राब कर देता है। इसका इसमें कोई यूज नहीं है, ये आपने तैयार कर लिया, ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा इसके लिए। हम स्टार्ट करते हैं। स्टोन्स हमने लगा लिए, इसमें हम थोड़ी सी मिट्टी फिल करते हैं। जब कप हाफ हो जाता है तब हम इसको लीव्स को इसमें सेट करते हैं। साइड से सॉइल को फिल कर देंगे, हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो आप उन्हें निकाल सकते हैं। इस तरह से प्लांट रेडी हो गया। अब हम इसको तैयार करते हैं, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। स्टोन्स में कुछ ज़्यादा डाल रही हूँ, जिससे कि इसमें पानी होल्ड नहीं होता। अब मैं आपको ये बंच वाला लगाकर दिखाऊंगी, जो एक साथ पूरे बंच में है। देखिए, है ये काफ़ी छोटा मग है, इसलिए इसमें थोड़ा छोटा ही सही रहेगा।
दीज आर इनफ। थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए अंदर और साइड से मिट्टी को फिल कर दीजिए। और इसको प्रेस कर दीजिए। थोड़ा सा एरिया आपको खाली रखना है। अभी आप इसमें वाटरिंग करेंगे तो थोड़ा सा इसके एयर बबल्स निकल जाएंगे और मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। इस तरह से ये रेडी हो गया। अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम में आप अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए, बाद में मनी प्लांट को वाटरिंग कम पसंद है तो इसमें आप कम वाटरिंग कीजिएगा। वीक में 2-3 times इनफ रहती है मनी प्लांट के लिए वाटरिंग। एक वाटर वेस्ट प्लांट है तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। फर्स्ट टाइम में हम इसे काफ़ी पानी देंगे। पानी तब तक देंगे जब तक यहाँ होल से बाहर ना आने लगे। बाद में इस प्लांट की डेकोरेशन के लिए हम ये कुछ कलर्ड स्टोन्स भी यूज़ कर सकते हैं और इससे प्लांट काफ़ी डेकोरेटिव लगता है। मैं आपको इसमें डाल के दिखाती हूँ। इसको आप अपने टेबल टॉप पे या कहीं रख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। देखिए पानी इसका नीचे से ड्रिप होने लगा है। जब भी आप प्लांट लगाएं इस बात का खास ध्यान रखें कि पानी हमेशा नीचे से ड्रेन आउट होना चाहिए। अगली बार पानी इसमें तभी दीजिएगा जब इसकी टॉप सॉइल ड्राई हो जाए, वरना आपका प्लांट मर जाएगा।